नमस्कार, स्वागत है आपका स्काई न्यूज ग्लोबल में और मैं हूं आपके साथ यास्मिन। पिछले कुछ दिनों से भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के पाकिस्तान कनेक्शन की खबर सुर्खियों में बनी हुई है। उन पर पाकिस्तान को खुफिया जानकारी देने के आरोप लग रहे हैं। आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि पूरा विवाद क्या है। पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी पर एक पाकिस्तानी पत्रकार नुसरत मिर्जा को भारत में आमंत्रित करने और उन्हें भारत की गोपनीय जानकारी देने का आरोप लग रहा है। हामिद अंसारी पर साल 2005 से 2011 के बीच पाकिस्तान यात्रा के दौरान गोपनीय जानकारी को जनरल अशफाक परवेज कयानी को सौंपने का दावा किया जा रहा है। एक इंटरव्यू में पाकिस्तानी पत्रकार नुसरत मिर्जा ने बताया कि पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने उन्हें 2005 से 2011 के बीच 5 बार भारत आने का आमंत्रण दिया था। मिर्जा का कहना है कि उन्होंने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के साथ अपनी यात्राओं के दौरान एकत्र की गई जानकारी शेयर की। पत्रकार ने यह भी कहा कि मुलाकात के दौरान खुफिया और गोपनीय जानकारी शेयर की गई थी। पाकिस्तानी पत्रकार के कथित दावों का हवाला देते हुए BJP प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आरोप लगाया है कि अंसारी ने मिर्जा के साथ कई संवेदनशील और गोपनीय जानकारी साझा की है। भाटिया ने भारतीय जासूसी एजेंसी रॉ के एक पूर्व अधिकारी की टिप्पणियों का भी हवाला दिया, जिनमें उन्होंने आरोप लगाया कि अंसारी ने ईरान में राजदूत के रूप में देश के हितों को नुकसान पहुंचाया था। बुधवार को पत्रकार वार्ता में BJP ने अंसारी पर निशाना साधते हुए कहा, भारत के लोग आपको इतना सम्मान दे रहे हैं और आप देश के साथ विश्वासघात कर रहे हैं, क्या यह देशद्रोह नहीं है? सोनिया गांधी, राहुल गांधी और हामिद अंसारी को सामने आकर इसका जवाब देना चाहिए। BJP ने कहा, अगर कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और तत्कालीन उपराष्ट्रपति सत्ताधारी दल द्वारा उठाए गए सवालों पर चुप रहते हैं तो यह उन पापों को स्वीकार करने के समान होगा। BJP का कहना है, पूरे विश्व में आतंकवाद के खिलाफ जो मुहिम है, भारत उसमें सबसे आगे है और कांग्रेस की सरकार 2005 से 11 के बीच 5 बार ऐसे व्यक्ति को भारत आने का आमंत्रण देती है, देश की गोपनीय जानकारी साझा की जाती है। BJP ने कांग्रेस पर देश को कमजोर करने का आरोप लगाते हुए कहा, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की अखंडता को मजबूत कर रहे हैं, आतंकवाद को देश से खत्म करने का संकल्प ले रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की सोच देश को कमजोर करने में लगी है। मामले पर हामिद अंसारी ने बुधवार को अपनी चुप्पी तोड़ी और इन दावों का खंडन करते हुए एक बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि मीडिया के कुछ हिस्सों और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता द्वारा उनके खिलाफ झूठ का पुलिंदा फैलाया जा रहा है। मेरे ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि आतंकवाद पर एक कॉन्फ्रेंस में और ईरान में भारत का राजदूत रहने के दौरान मैं मिर्जा से मिला था। ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि मैंने राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ विश्वासघात किया। लेकिन यहाँ मैं साफ करना चाहता हूँ कि ना तो मैं मिर्जा से मिला हूँ, ना ही मैंने उन्हें बुलाया। अंसारी ने अपनी सफाई देते हुए कहा कि यह एक ज्ञात तथ्य है कि उपराष्ट्रपति द्वारा विदेशी मेहमानों को निमंत्रण सरकार की सलाह पर भेजा जाता है। आमतौर पर विदेश मंत्रालय के माध्यम से अंसारी का कहना है कि ईरान में बतौर भारत के राजदूत का कामकाज सरकार की जानकारी में रहा है। बयान में उन्होंने कहा, देश की सुरक्षा को लेकर मैं प्रतिबद्ध हूँ और इस पर बयान देने से मैं हमेशा खुद को दूर रखता हूँ। भारत सरकार के पास सारी जानकारियाँ हैं और वहीं सिर्फ सच बता सकती है। ईरान में मेरा कार्यकाल रिकॉर्ड में दर्ज है। इसके बाद मुझे न्यूयॉर्क के संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी सदस्य बनाया गया था। मेरे काम को देश और दुनिया ने सराहा है। फिलहाल ये विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। देखना होगा कि अब आगे इसमें क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए स्काई न्यूज़ ग्लोबल।